स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हरियाणा रोडवेज गुड़गांव डिपो की बस का और राजस्थान लोक परिवहन की एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो गया है। गुड़गांव से जयपुर जाते हुए पन्नीवाड़ा मोड़ कोटपुतली के पास इन दोनों बसों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान लोक परिवहन की ये बस रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी, जिस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। हरियाणा रोडवेज गुड़गांव डिपो की ये बस थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं और ड्राइवर कंडक्टर को भी चोट आई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को चोटें आई हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप अपना साधन लेकर सड़क पर निकलें, सड़क नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है कि और आपसे ये भी अपील करते हैं कि जब भी आप बस में जाएं, बसों की छतों के ऊपर ना बैठें, इससे आपकी जान माल को खतरा हो सकता है। जितना हो सके बस के अंदर बैठ के यात्रा करने की कोशिश करें। हम मानते हैं हरियाणा के अंदर अभी बस बहुत कम हैं और 2-3 महीने में और बस कम हो जानी हैं, तो सरकार के अनुसार अभी नई बस हो सकता है सरकार नई बस ले आए, क्योंकि सरकार ने पहले भी कई बार घोषणा की है 867 नई ऑर्डिनरी बसों के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।